भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। भारत की नज़र सीरीज जीतने की है, वहीं वेस्टइंडीज की कोशिश इस मैच को जीतकर सीरीज को ड्रा करने की रहेगी। गौरतलब है कि टीम इंडिया सीरीज में अभी तक 1-0 से आगे है। बुधवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा एक दिवसीय मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। भारत की कोशिश रहेगी कि वह इस मैच को जीतकर सीरीज को अपने नाम करे, वहीं वेस्टइंडीज तीसरे एक दिवसीय मैच को जीतकर सीरीज को ड्रॉ करना चाहेगी। पहला मैच बारिश से धुल गया था, जबकि दूसरे मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को हराने में सफलता पाई थी। आखिरी वनडे शिखर धवन के लिए खास रहेगा, क्योंकि चोट से वापसी करने के बाद उनका प्रदर्शन प्रभावी नहीं रहा है। वे टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, ऐसे में कोशिश रहेगी कि वे एक बड़ा स्कोर कर सीरीज में अपनी उपस्थिति का एहसास कराए। वहीं पिछले मैच में चौथे नंबर पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर श्रेयस अय्यर ने ऋषभ पंत की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। उन्होंने दूसरे वनडे में 68 गेंदों में 71 रन की शानदार पारी खेलकर कप्तान और कोच को असमंजस में डाल दिया कि अगले मैच में ऋषभ पंत को मौका दें या फिर श्रेयस अय्यर को। बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज होने के बावजूद भी ऋषभ पंत टेम्परामेंट की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें कई मौके दिए गए, लेकिन वे खुद को साबित करने में नाकाम रहे। भारत के पास बेहतरीन बल्लेबाज और उम्दा गेंदबाज हैं, तो पलड़ा भारत का ही भारी लग रहा है। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज जीत के लिए बेताब है, और ये काम उनके बल्लेबाज ही कर सकते हैं। उनके पास शाई होप, शिमरॉन हेटमेयर और निकोलस पूरन जैसे बल्लेबाज हैं। ऐसे में वे भारतीय गेंदबाजों के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं।